दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर के सबसे प्रसिद्ध चंद्रयान 3 के पंडाल के करीब और यहां पे राम जी की सेना है अंबे दल। बहुत अद्भुत नजारा भाई साहब ये। और सामने चंद्रयान 3 का ये डेमो वाला पंडाल है जो सुल्तानपुर का सबसे अलग ही पंडाल है। यहाँ पे लोग इस चंद्रयान 3 के पंडाल के नाम से इसमें दिख रहे हैं। आगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो गाइस बंदा बोल रहा गाइस है ना। सो गाइस चंद्रयान 3 वाला पंडाल देखिए, सबसे भव्य पंडाल है सुल्तानपुर का। और मैं कोशिश करूंगा आगे से भी दिखाऊंगा इसरो श्री अंबे भवन अंतरिक्ष। अच्छा इधर से चलना है भाई, आगे से तो देखना पड़ेगा ना। तो ये सबसे अद्भुत पंडाल है सुल्तानपुर का, इसरो श्री अंबे भवन अंतरिक्ष प्रक्षेप केंद्र श्री कुश भवनपुर माँ अंबे भवन। ये देखिए तो कुछ इस तरह का पंडाल है, बहुत सुंदर है। मैं एक बार फ्रंट साइड से दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे भी बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं इस पंडाल को देखने के लिए। और आप लोग जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको वे दिया, रास्ता दिया। बट आपको दिखाएंगे जरूर अपने ब्लॉग में, है ना। क्या नाम है? हर्षित। कौन से स्कूल में हो? यस, तो अशोक मौर्य एक्सप्लोरर है ना। बट छोटू का कहना मानते हैं, आगे साइड चल के दिखाते हैं। उसके माता पिता जहाँ कहीं भी हो श्री अंबे माता जी के पंडाल में पहुंचे, उनकी लड़की यहाँ पे पंडाल के हम फ्रंट साइड पहुंचे। आदिति शुक्ला, और मैं यहाँ से दिखाने का बच्ची का नाम आदिति शुक्ला है भैया। लाइव चल रहा है, उसके माता पिता कहीं भी हो पंडाल है, तुरंत से तुरंत अंबे माता जी के पंडाल पर पहुंचे। ये देखिए अभी कोई बच्चा मिसिंग है शायद, इसका नाम कृपया आदिति शुक्ला को पंडाल के पास भेजा जाए। क्या हुआ, बच्ची मिसिंग है? भाई ध्यान से करना, हमारे जगदीश गुनो भी खो गई थी, है ना। तो ये सबसे अद्भुत पंडाल है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं चंद्रयान 3 के बेस पे बनाया गया ये पंडाल जो सुल्तानपुर का सबसे अद्भुत और अद्वितीय है, जिसमें आए सभी भक्तगण मौजूद है और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। ये हमारे भारत का इतिहास है और हम कोशिश करते हैं आपको आगे का भी पंडाल दिखाएंगे, और ये सबसे मेन है। तो आप लोग बने रहिए, आगे चलते हैं, जयकारा लगाते रहिए, जय माता दी।